पिछले कई सालों से किसानों की फसल खराब होती रही 90% तक। जी हां, 90% तक किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। लेकिन गहलोत सरकार की कर्ज माफी योजना और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग से किसानों को बड़ी राहत मिली और किसान मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताते नहीं थक रहे। ये रिपोर्ट देखिए। झालावाड़ जिले में कई सालों से किसान की फसल खराब हो रही है। कभी सर्दी के कारण फसल की खराबी, तो कभी ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने फसलों को बर्बाद कर दिया। किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिलता था या फिर उचित दाम नहीं मिलते थे। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद किसानों की उम्मीद जगी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की सुध ली। पहले तो किसानों का कर्ज माफ किया, फिर नया फसली ऋण मिला। इतना ही नहीं, किसानों को कई योजनाओं का लाभ भी मिलने लगा है, जिसके बाद किसान सीएम गहलोत का आभार जता रहे हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो राजस्थान में ऋण माफी की योजना माननीय राहुल गांधी जी ने जो घोषणा राजस्थान में की थी, उसको पूर्ण रूप से साकार किया है। सभी किसानों का 1.5 लाख तक का कर्जा माफ हुआ है रायपुर में, और मैं खुद किसान हूँ, मैं 1.5 लाख रुपये का ऋणी था, मेरा भी 1.5 लाख का कर्जा माफ हुआ है, 100 बीघा जमीन मेरे पास है। परंतु जो व्यवस्थाएं जो ऑनलाइन की है, उससे राजस्थान सरकार ने जो भ्रष्टाचार खत्म करके पारदर्शिता का काम किया है, वो बहुत अच्छा काम किया है। सरकार से हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है, मतलब ऑनलाइन होने की वजह से टाइम पे, मतलब आदमी का टाइम खराब नहीं हो रहा आने जाने का, और मतलब यही पेमेंट हो रहा है सबको, लोगों को काफ़ी फैसिलिटी भी है। और एक लोन जो है, मतलब 30 नवंबर के बाद का जो लोन है, वो भी काश्तकारों को माफ़ हो तो थोड़ा ज़्यादा हित कर रहेगा। पिछली बार कितना लोन माफ़ हुआ आपका? मेरा 1,31,000। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा इसको? हमारे मतलब बच्चों के पढ़ाई वगैरह में उसमें मतलब बेनिफिट मिलेगा, वो खेती के काम में पैसा आएगा। हमारे 21 जमीन दी थी साहब 55,000 रुपये, वो माफ़ हो गया और भाजी डबल वापस मिल चुकी है। ऐसे दो दिन में भाई बच गया। कितने बीघा जमीन थे क्या? 5,000 रुपया। अब 5,000 रुपया जमीन में कहीं बोलता था हमें, ये मान लो सोयाबीन और कांदा प्याज सारा में गेहूँ लहसुन प्याज। मान लो बाढ़ से तो फसल खराब होगी। हाँ, तो मशीन भी फसल खराब है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिले के किसानों को ज्यादा लाभ मिल रहा है और किसान अपनी सभी जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई सहकारिता विभाग की किसान कल्याण योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें कृषि भूमि की कीमत 50% और अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। इसके अलावा किसानों द्वारा लिए गए ऋण का बीमा भी कराया जा रहा है। वहीं झालावाड़ जिले के किसानों का कर्ज माफी योजना में 308,65,00,000 का लोन माफ किया गया है और जिले के करीब 87,096 किसानों का कर्जा माफ किया गया है। वहीं सहकारिता विभाग ने इसी साल जिले के 72,000 किसानों को 154,80,00,000 रुपए का ऋण भी दिया। इस वक्त हम झालावाड़ के रायपुर कस्बे में, जहां कुछ किसान हमारा साथ है, जिनका कुछ सरकार के द्वारा ऋण माफ किया गया, साथ ही नए ऋण भी आए। हालांकि झालावाड़ में बाढ़ के बाद हालत खराब हो गए थे कि किसानों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ा था, मगर जब से गहलोत सरकार आई है, किसानों को फायदा हुआ। क्या कहता है किसान, खुद सुनिए उनकी जुबानी। सरकार ने मेरे 85,000 रुपये का ऋण माफ करा और नया भी मिल गया मेरे को, 28,000 रुपये अभी मिल गया और अभी और आना बाकी है। मुझे फायदा मिला है साहब, मेरे किसान कार्ड का भी 20-25,000 रुपये माफ हुए, वो मिला और दो बस सरकारी माफ हो गई, और ये पसना है जो इसका भी बीमा वीमा बढ़ा के तहसीलदार साहब ने वो ऋण किया है। दो बार ऋण माफ हो गया, 22,000 की समिति माफ हो गई। ऑनलाइन सिस्टम होने से सभी को फायदा मिल रहा और सभी तक ये फायदा जन जन तक पहुँच रहा। तो ये थे झालावाड़ के वो किसान जिन्हें सरकारी विभाग के द्वारा काफ़ी लोन माफ़ किया गया और सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार के जो अशोक गहलोत सरकार का वो निर्णायक कदम है जो किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों के परिवारों को सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, समय पर भुगतान भी किया जा रहा है, जिससे किसान खुश हैं, सरकार का आभार जताते नहीं थक रहे। सरकार ने किसानों की सुनी और लोन माफ किया, साथ ही फिर से लोन भी मिला, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई। आरिफ मंसूरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, झालावाड़।